गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वे 2. नाउ टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट लेसन फ्रॉम द यूनिट सेकंड, दैट इज कर्व. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो कर्व सेटिंग के अलग अलग मेथड्स है, लीनियर मेथड्स, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमने देखी थी, दैट इज ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अलग अलग मेथड हमने देखी. पहले मेथड हमने देखी थी कि वे ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड. लॉन्ग कॉर्ड से हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट लेके भी कर्व को सेट कर सकते हैं. लेकिन जब लॉन्ग कॉर्ड लेना पॉसिबल नहीं होता है, सो फिर हमको नेक्स्ट मेथड के लिए जाना पड़ता है. वहां पर मेथड हमने देखा था, मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. यानी लॉन्ग कॉर्ड के बजाय टेंजेंट जो है हमारा, फॉरवर्ड टेंजेंट और बैकवर्ड टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट से ऑफसेट लेके भी हम लोग कर्व सेट कर सकते. वहां पर हमने दो मेथड देखे थे, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक रेडियल ऑफसेट. उसके आगे फिर यदि और कर्व का दायरा बढ़ जाता है, बड़ा मोड हमें रास्ते के अंदर बनाना है, उसके लिए हमें बड़ी कर्व सेट करनी पड़ेगी. और फिर बड़ी सेट कर्व करने के लिए हमें लॉन्ग कार्ड भी लोकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्राउंड हमारा लॉन्ग कार्ड के बराबर नहीं है. और हमें टेंजेंट भी सेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंजेंट जहां से जा रहा है वहां पर झाड़ियां और कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है. तो जहां से रोड को मोड़ना है उसी जगह से ही अपने को सर्वे करते करते अपने को कर्व के पॉइंट्स सेट करना है. ऐसे केस में हम जो मेथड यूज करेंगे, दैट मेथड इज ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस. तो हमें ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड का इस्तेमाल करना है. जैसा कि हमने यहां पर देखा कि यदि हमारा ये वाला स्टार्ट पॉइंट है, तो ये स्टार्ट पॉइंट से हमारा ये टेंजेंट जा रहा है, सो दिस इज अवर बैकवर्ड टेंजेंट. तो ये टेंजेंट से सबसे पहला ऑफसेट हमने यहां पर लिया और ये पॉइंट हमको ए मिल गया. जब ए मिल गया तो हमारा यहां से ए तक ये एक हमारा कॉर्ड बन गया, सो दिस इज अवर फर्स्ट कॉर्ड. नाउ ये कॉर्ड को हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे. आगे एक्सटेंड करने के बाद में जो भी आपने डिस्टेंस लिया, वहां से फिर आपको दूसरा ऑफसेट ले सकते हैं आप, तो आपको बी पॉइंट मिलेगा. फिर आपके पास एक नया कॉर्ड बन गया. अब ये नया जो कॉर्ड है ये फिर से आपका बन गया यहां से लेके यहां तक. अब ये कॉर्ड को हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते और फिर एक्सटेंड करके यहाँ से ऑफसेट ले सकते, तो फिर आपको एक पॉइंट मिलेगा और ये नया कॉर्ड आपका बन जाएगा. सो इस प्रकार से हर बार हमने पहले क्या किया, ये टेंजेंट को ऑफसेट किया तो पहला कॉर्ड मिल गया. फिर पहले कॉर्ड को हमने आगे एक्सटेंड किया, फिर दूसरा ऑफसेट लिया, फिर दूसरा कॉर्ड को एक्सटेंड करके फिर नेक्स्ट ऑफसेट लिया. इस प्रकार से ऑफसेट, ये वाला ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, यानी ये कॉर्ड को आगे बढ़ा के फिर वहां से ऑफसेट, तो आगे का पॉइंट मिलेगा. इस प्रकार से हमने अलग अलग पॉइंट्स को फाइंड करने का मेथड हमने इसके पहले हमने देखा. सो नाउ विद दिस वी विल सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम. इसके लिए हमने फार्मूले भी देखे थे कि O1 जो हमारा पहला ऑफसेट है उसका फार्मूला है हमारा C1² / 2R. फिर O2 का फार्मूला है C2 (C1+C2)/2R. देन O3 का है C² / 2R. और फिर ON का है (CN/2R)/CN-1+CN. सो ये ऑफसेट के फार्मूले यदि हमने याद रख लिए, तो हम लोग ये O1, O2, O3, O4 इस प्रकार से अलग अलग ऑफसेट कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो ये प्रॉब्लम में हमने स्टेप्स भी पिछले वीडियो में हमने देखी थी कि सबसे पहले हमें टेंजेंट लेंथ और लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, फिर चेंज ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, देन फिर अपने को जो पॉइंट ऑफ कर्व आ गया उसके ऊपर से लॉन्ग कॉर्ड और शॉर्ट कॉर्ड कितने हैं हमारे वो निकालना है. इसी प्रकार से फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का भी चेंज निकालना है, और उसके बाद में फिर हम लोग अलग अलग ऑफसेट्स जो है वो निकाल सकते. सो वी विल नाउ सॉल्व दिस प्रॉब्लम. हियर द प्रॉब्लम इज गिवन. सो टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेनेज 59+60. द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 50°/30', कैलकुलेट द नेसेसरी डाटा फॉर सेटिंग आउट ए कर्व ऑफ 15 चेन रेडियस टू कनेक्ट द टू टेंजेंट इफ इट इज इंटेंडेड टू सेट आउट द कर्व ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड प्रोड्यूस. सो ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड हमको यूज करना है. टेक पेग इंटरवल इक्वल टू 100 लिंक्स एंड द लेंथ ऑफ द चेन बीइंग 20 मीटर. सो नाउ दिस इज द गिवन डाटा
फॉर आवर प्रॉब्लम. तो हम सबसे पहले गिवन डाटा वी विल राइट डाउन एंड देन वी विल गो फॉर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. सो आई विल राइट डाउन हियर फर्स्ट. सो नो वी विल राइट डाउन द गिवन डाटा. नाउ इन द गिवन डाटा टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेन एज 59 60. तो ये हमको यहाँ पर दिया है कि हमारा ये एक टेंजेंट है और ये दूसरा टेंजेंट जा रहा है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वी, इसका चेन एज हमको दिया है 59 chain 60 लिंक. सो चेन एज इज इक्वल टू 59 plus 60 चेन, ये हमको चेन एज दिया है. नाउ द डिफ्लेक्शन एंगल बीइंग 50 degree 30 minute, यानी यहां पे जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल बन रहा है डेल्टा, सो दिस डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल दिया है 50 degree 30 minute. सो डिफ्लेक्शन एंगल भी हमको यहां पर दिया है. नाउ कैलकुलेट द नेसेसरी डाटा फॉर सेटिंग आउट द कर्व ऑफ 15 chain radius, यानी जो कर्व सेट करना है उसकी रेडियस हमको दिया है 15 chain. सो हियर आर इज ऑल्सो गिवन. सो हम लोग यदि डायग्राम निकालते हैं तो आपका ये रेडियस हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली अपनी कर्व होने वाली है और ये जो रेडियस है ये दी है 15 chain. ये हो जाएगा ओ पॉइंट सेंटर का और ये हो जाएगा हमारा T1 टेंजेंट पॉइंट 1 और ये हो जाएगा टेंजेंट पॉइंट T2. सो T1 और T2 हमको पता चल गए. अब यहाँ पे रेडियस टू कनेक्ट द टू टेंजेंट्स इफ इट इज इंटेंडेड टू सेट आउट द कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम क्वाड प्रोड्यूस. सो रिमेंबर यू हैव टू सी दैट दिस इज द मेथड वी हैव टू यूज ऑफसेट फ्रॉम क्वाड प्रोड्यूस. नाउ टेक द पेग इंटरवल इक्वल टू 100 links. तो पेग इंटरवल भी दिया है हमको. सो नाउ वी विल राइट डाउन वन बाय वन. सो फर्स्ट वी विल राइट डाउन द गिवन डाटा दैट इज चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 59 plus 60 chain. ये हमको दिया है. अब हमारी चेन की लंबाई दी यहां पे 20 meter. तो चेनेज कितना हो जाएगा हमारा यहां पे, तो चेनेज हो जाएगा 59 और 20 meter, यानी एक चेन 20 मीटर की है, 59 chain plus 60 links है. तो एक लिंक हमारी यहां पे 20 सेंटीमीटर की होती है. सो 60 into 0.20, तो यहां पे अपने को चेनेज मिल जाएगा दैट इज 1192 meter. सो नाउ दिस इज द चेनेज वी हैव कैलकुलेटेड. देन नेक्स्ट डाटा गिवन दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल हमको दिया है. सो डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 50 degree 30 minute. ये डेल्टा हमको यहां पर दिया है 50 degree 30 minute. नेक्स्ट हमको दिया है रेडियस ऑफ कर्व. सो दैट इज आर. आर दिया है हमको 15 chain. सो 15 into एक चेन है 20 मीटर की, तो ये हो जाएगा आर 300 meter. आर दिया है और मेथड हमको कौन सी यूज करना है. सो वी हैव टू यूज द मेथड दैट इज ऑफसेट फ्रॉम क्वाड प्रोड्यूस. सो दिस मेथड वी हैव टू यूज फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. एंड देन एडिशनल डाटा इज गिवन दैट इज पेग इंटरवल. पेग इंटरवल हमको दिया है 100 links, यानी 20 मीटर. एक चेन 20 मीटर की है हमारी, 100 लिंक्स की एक लिंक होती है बराबर. सो हियर पेग इंटरवल सो दैट इज एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी 100 लिंक्स की एक चेन है इसलिए. सो दैट इज द गिवन डाटा फॉर दिस प्रॉब्लम. नाउ वी विल सॉल्व स्टेप बाय स्टेप. हमको सबसे पहले इसके अंदर अभी क्या क्या निकालना है. सो व्हाट एवर द फॉर्मूलेज आर गिवन अकॉर्डिंगली नाउ वी विल कैलकुलेट. तो सबसे पहले हम लोग ये प्रॉब्लम में स्टेप वन कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले टेंजेंट लेंथ. सो हियर स्टेप वन दैट वी विल कैलकुलेट हियर
टेंजेंट लेंथ। सो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला है आर टेन डेल्टा बाय टू। आर टेन डेल्टा बाय टू में हमको वैल्यू क्या क्या दी है, सो आर हमको दिया है 300 मीटर और टेन 50 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय टू। सो यहाँ पर आपको टेंजेंट लेंथ टी मिल जाएगी। नाउ दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंड 50 डिग्री 30 मिनट इसका टेन, सॉरी 50 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय टू इसका टेन और इनटू 300, सो दैट कम्स आउट टू 141.48। तो टेंजेंट लेंथ हमने निकाल लिया अभी। नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप टू आएगी हमारे यहां पे। स्टेप टू में हमको निकालना है लेंथ ऑफ कर्व। सो फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ कर्व इज पाई आर डेल्टा अपॉन 180। सो हियर वी विल कैलकुलेट L इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा अपॉन 180। सो हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पाई। आर है हमारा 300 मीटर, डेल्टा है 50 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय 180। सो पाई आर डेल्टा अपॉन 180। सो वी विल गेट द लेंथ ऑफ कर्व हियर। सो 50 डिग्री 30 मिनट इंटू 300 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। सो हियर इट कम्स आउट टू 264.42 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि टेंजेंट लेंथ और लेंथ ऑफ कर्व ये हमने यहाँ पे निकाल ली। अब उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा एक्चुअली कि ये हमारा जो कर्व है ये हमारा बैक टेंजेंट और ये हमारा फॉरवर्ड टेंजेंट। और सपोज नाउ दिस इज आवर पॉइंट T1 एंड T2। सो दिस इज T1, दिस इज T2 और यहाँ से हमारी ऐसी कर्व बनने वाली है। ये जो एंगल दिया है वो है 50 डिग्री 30 मिनट का। तो हमने अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया एंड दैट कम्स आउट टू बी टेंजेंट लेंथ दैट इज 141.48। और ये जो कर्व है इसकी लंबाई हमने निकाली अभी यहाँ पे 264.42। अब ये आगे हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस और ये हो गया ओ और यहाँ पर आर इज इक्वल टू है 300 मीटर। इतना डाटा हमने निकाल लिया। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप वी विल गो फॉर दैट इज अब हमको क्या है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट का चेनेज हमको दिया है। इसके पहले प्रॉब्लम ने हमने देखा कि हमको यहाँ पर चेंजेस दिया है 59 प्लस 60 यानी वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। 59 प्लस 60 लिंक्स का चेंजेस आ गया 1192 मीटर। नाउ दैट वी विल अंडरस्टैंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी ये जो पॉइंट है इसका है 1192 मीटर, ये हमारा चेंजेज है। अब ये चेंजेज हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा व्हाट इज दिस चेंजेज। नाउ इन दिस इसका मतलब यह है कि जब हम लोग यहाँ से रास्ता बना रहे आ रहे तो जो शुरू का पॉइंट है वहाँ से हम लोग गिनते 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 ऐसा आएंगे तो ये जो पॉइंट है वो 1192 मीटर दूरी पर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा रोड की अलाइनमेंट टर्न हो रही है इधर, यहाँ से इधर टर्न हो रही है, तो ये पॉइंट की जो शुरुआत के पॉइंट से दूरी है वो है 1192 मीटर एंड दैट इज कॉल्ड एज चेंज, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। यानी मैं परतवाड़ा से अमरावती की जाने निकला मैं तो परतवाड़े का चेंज हो जाएगा 0 मीटर और अमरावती का चेंज हो जाएगा समझ लो 56 किलोमीटर। तो मैं फिर कितने किलोमीटर पर खड़ा हूँ वो हो गया मेरा चेंज। सो दैट वे द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज चेंज, तो वो यहाँ पर दिया है 1192 मीटर। जब रोड के लिए हम लोग कर्व डिजाइन करते हैं तो वो हमको चेंज के हिसाब से डिजाइन करना होता है। वो क्यों करना पड़ता है That I will now explain. तो सबसे पहले हमको ये चेंज जो दिया है उससे हमको अभी ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कर्व और ये है हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये दोनों पॉइंट के भी हमको चेंज निकालने पड़ेंगे। तो जब शुरू से लेके यहाँ तक का दूरी 1192 है
तो उसमें से टेंजेंट डिस्टेंस माइनस कर दिया तो ये पॉइंट का चेंज मैं निकाल सकता हूं। सो हियर नाउ वी विल गो फॉर थर्ड स्टेप। सो स्टेप थ्री दैट इज चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, यानी ये दैट इज T1 का चेंज हमको निकालना है। तो T1 का चेंज क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ। सो दैट वी विल राइट हियर, सो दैट विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ। सो अभी यहां पर वो हो जाएगा चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1192 और माइनस टेंजेंट लेंथ हमारी 141.48 मीटर एंड इट कम्स आउट टू बी नाउ 1192 माइनस 141.48, तो ये आ रहा है 1050.52। सो हमने तीसरी स्टेप भी सॉल्व कर ली जहां पे हमने ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है हमारा 1050.52 मीटर, ये पॉइंट का चेंज है। अब इसके अंदर यदि हम लोग यहां से हमारा रोड ऐसा मुड़ने वाला है तो रोड की ये जो कर्व है इसकी लंबाई हमने निकाल ली है वहां पे L इज इक्वल टू पायर डेल्टा पर 180 से ये निकाल गए, तो हम ये पॉइंट का भी चेंज निकाल सकते, यानी ये वाले चेंज के अंदर ये इतना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। सो इतना डिस्टेंस ऐड करने से T2 पॉइंट का चेंज हम लोग निकाल सकते। सो नाउ दैट वी विल कैलकुलेट। तो यहां पर अभी तीसरी स्टेप के बाद में फिर स्टेप फोर हम लोग यहां पर कर सकते हैं। सो आई विल राइट डाउन हियर स्टेप फोर में क्या निकालना है हमको, चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी T2 का चेंज, और T2 का चेंज क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कर्व के चेंज में लेंथ ऑफ कर्व ऐड करनी है। सो हियर यू कैन राइट डाउन दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, ये वाला चेंज प्लस लेंथ ऑफ कर्व एंड दैट यू कैन कैलकुलेट। तो यहां पर वो वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहां से चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व है हमारा 1050.52 प्लस लेंथ ऑफ कर्व है यहां से 264.42। सो ये हमको यहां पर मिल जाएगा प्लस 264.42। सो 1314.92 मीटर, ये हो गया हमारा T2 का चेंज यानी ये वाले पॉइंट का चेंज। सो दैट इज कम्स आउट टू बी 1314.92। सो लाइक वे नाउ हियर व्हाट वी हैव डन दैट इज चेंज जो है हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दिया था उसमें से टेंजेंट लेंथ माइनस करके हमने पॉइंट ऑफ कर्व का चेंज निकाला और उसमें हमने लेंथ ऑफ कर्व जो है वो हमने ऐड कर दी तो हमको T2 पॉइंट का चेंज मिला। अब ये सब करने की हमको जरूरत क्या है, सो दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी हमारा यहां पर ऐसा है कि ये जो चेंज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये चेंज कैलकुलेट करना इसलिए है कि हमको इसके अंदर जो कॉर्ड है ना वो 20-20 मीटर के कॉर्ड कितने आएंगे उसको हमको कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग दैट, अब यहां पे हमको वो कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले जो कॉर्ड है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसके लिए हमको कैसा प्रोसीजर करना है दैट वी विल सी। सो सबसे पहले हमको अभी ये पहले पॉइंट से लेके जो पहला सब कॉर्ड है फिर उसके बाद में नॉर्मल कॉर्ड फिर नॉर्मल कॉर्ड फिर नॉर्मल कॉर्ड फिर नॉर्मल कॉर्ड और फिर आखिरी का कॉर्ड, ऐसे पॉइंट्स हमको मिलने पड़ेंगे। कितने पॉइंट आएंगे वो हमको निकालना है अभी, और वो पॉइंट निकालने के लिए ही हमने ये चेंज कैलकुलेट किया। वैसा चेंज का कर्व के लिए कोई पॉइंट नहीं है लेकिन पॉइंट ऑफ स्टार्ट पॉइंट कहाँ से लेंगे हम लोग, तो 1050.52 गिनते आएंगे अब यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से गिनते आएंगे ऐसा, तो जहाँ पे आएगा उतना हो जाएगा आपका ये T1 और फिर यहाँ पे जाना ही नहीं अपने को, और उसके बाद में आगे का जो T2 रहेगा वो अलाइनमेंट के ऊपर तो वो 1314.92 रहने वाला है। सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड, लेकिन अब इसके कॉर्ड कैसे गिराएंगे,
तो हमारी जो चेन है पेग इंटरवल हमको दिया है यहाँ पर 20 मीटर का, तो हम क्या करेंगे, सपोज ये स्टार्ट पॉइंट हमारा यहाँ से आ गया कहीं से, तो भी तो 20 मीटर फिर 20 मीटर फिर 20 मीटर फिर 20 मीटर फिर 20 मीटर ऐसा गिनते आएंगे, तो 20 मीटर की जो चेन है वो जरूरी नहीं कि आपकी ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे पॉइंट ऑफ कर्व पे बराबर खत्म हो जाएगी, क्योंकि 20 मीटर की चेन आपकी इसके आगे जा सकती है इसी, तो आगे जाएगी तो वो 20 मीटर की चेन आगे जाएगी आधी ये कर्व पे आधी इधर रह जाएंगे, तो जो 20 मीटर का जो पॉइंट आएगा 20-20 मीटर के इंटरवल पे जो पॉइंट आने वाले है वो पॉइंट हमारा यहां पर आएगा पहला, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां से 20 मीटर पर रहेगा क्या, नहीं रहेगा, कम पे रहेगा वो, तो ये जो छोटा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज सब कॉर्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सब कॉर्ड, यानी 20-20 मीटर के इंटरवल के पॉइंट आपने रोड के अलाइनमेंट में मार्क किए तो इसके पहले का पॉइंट यहां पे कहीं तो भी आएगा 20 मीटर वाला, और यहां से 20 मीटर जब जाएंगे तो वो कर्व के ऊपर जाएगा इधर, तो फिर यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस 20 मीटर से कम रहने वाला है, सो दिस डिस्टेंस विच इज लेस देन 20 मीटर यानी ये वाला सो विच इज लेस देन 20 मीटर यानी पेग इंटरवल से कम है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सब कॉर्ड। अब ये पॉइंट मिल गया तो इसके बाद में तो हम लोग 20-20 मीटर के पॉइंट गिन सकते हैं ना बराबर, तो फिर हमारा ये 20 मीटर फिर 20 मीटर फिर 20 मीटर फिर 20 मीटर फिर आखिरी का जो है फिर ये 20 मीटर के बाद में ये अधूरा रहेगा पूरा, 20 मीटर पूरा नहीं भरेगा, 20 मीटर थोड़ा आगे जाएगा इधर, तो आखिरी का भी जो डिस्टेंस है ये वाला, सो दिस लास्ट डिस्टेंस विल बी ऑल्सो लेस देन 20 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा आखिरी वाला हो जाएगा लास्ट सब कॉर्ड। अब इसको सब कॉर्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो 20 मीटर से कम है और ये वाला पहले में है छोटा, तो इसको फर्स्ट सब कॉर्ड बोले हमने, ये आखिरी में है तो इसको बोले लास्ट सब कॉर्ड। अब इसके बाद में 20-20 मीटर के यहां पर कितने होंगे वो भी हमको पता करना पड़ेगा, तब जाके हमको पता चलेगा कि कितने पॉइंट हमको ये कर के ऊपर मार्क करने, क्योंकि पेग इंटरवल हमको यहां पर दिया है 20 मीटर का। नो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस हमको ये चेनेज की जरूरत पड़ती है, तो अब हम लोग ये चेनेज के हिसाब से अब यहां पर कैलकुलेशन करेंगे, सो हियर आई विल राइट डाउन द समरी ऑफ दिस एंड देन वी विल सॉल्व ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहां पे हमको जो चेनेज दिया है, सो चेनेज हमको पहले पॉइंट का दिया है, सो हियर चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व दैट इज पीसी, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व हमारा आ गया था यहां पर इज इक्वल टू कितना आया था वो हमारा 1050.52 मीटर, ये आ गया हमारा चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व। अब हमको यहां पर हमारा इसका पहले का है चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दैट इज 1314.92, सो दैट विल बी ऑल्सो राइट डाउन चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दैट इज 1314.92 मीटर। अब ये दोनों चेनेज हमको यहां पे आ गए, ये वाला और ये आ गया। अब लेंथ ऑफ कर्व है हमारी 264.42, सो दैट वी विल ऑल्सो राइट डाउन, सो लेंथ ऑफ कर्व इज 264.42। देन इसके बाद में फिर हमने यहां पर टेंजेंट लेंथ भी निकाली थी और ये भी निकाली थी, सो दिस इज 264.42 दैट इज लेंथ ऑफ चेन, सो नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ चेन, इतना डाटा हमारे पास में है। अब इस पे से हम लोगों को क्या करना है, सो नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल सॉल्व नाउ दैट इज स्टेप नंबर 5 दैट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट कर्व
स्टेप फाइव लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड। तो पहले सब कॉर्ड की लेंथ हमको निकालनी है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए पहले सब कॉर्ड की। तो अब ये जो पहला पॉइंट है 1050.52, इतना चेंज आ गया ये पॉइंट का। अब हम लोग जब यहां से 20-20 मीटर गिनते आएंगे तो हमको ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट ऐसा रहेगा कि जो 20 मीटर के मल्टीपल में रहेगा, 20 मीटर के मल्टीपल में रहेगा और ये 1050 से बड़ा रहेगा। सो ऐसा पॉइंट हमको चेंज हमको पहले ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो ऐसा चेंज कौन सा होगा जो 1050.52 से बड़ा है लेकिन 20 के मल्टीपल में है? तो हो सकता है 1060 आता है क्या हमारा, 1060 करके देखेंगे हम लोग डिवाइड बाय 20। यस, तो 1060 ये वैल्यू ऐसी है इसके आगे की कि यहाँ पे बराबर लिया हमने तो 20 मीटर का पॉइंट बराबर आता है। इसका मतलब ये जो चेनेज है ये चेनेज को हमको राउंड अप करना है 20 मीटर के इंटरवल से, 20 मीटर के इंटरवल से राउंड अप करना है। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर हमारा फार्मूला लिखेंगे कि चेनेज ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड जो है वो निकालना है अपने को, सो दैट इज कॉल्ड एज C1। तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व माइनस चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, यानी राउंड ऑफ चेनेज हमारा हो गया 1060 माइनस 1050.52। ये हमारा हो गया यहाँ पर चेंज, यानी हमने यहाँ पर देखा कि ये जो पॉइंट है ये 1060 का है उसमें से 1050.52 माइनस करना है हमको। सो 1060 माइनस 1050.52, सो हियर C1 यानी हो गया लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड ये हमको यहाँ पर मिलेगा। सो 1060 माइनस 1050.52, सो 9.48, सो दैट इज फर्स्ट सब कॉर्ड हमारा निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग लास्ट सब कॉर्ड भी निकाल सकते। सो हियर स्टेप 6 हम निकालेंगे यहां पे लेंथ ऑफ लास्ट सब कॉर्ड, तो ये हो जाएगा CN लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा कौन सा है कि ये टेंजेंट, ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का चेंज है 1314.92। इसके पहले जो पॉइंट आएगा जो 20 मीटर के इंटरवल में है वो डिस्टेंस हमको पहले पता करना है, यानी इसको राउंड डाउन करना पड़ेगा। 1314 को राउंड डाउन करेंगे, तो राउंड डाउन करेंगे तो कितना आ सकता है वहां पे, तो मेरे ख्याल से 1300 आ सकता है। 1300 जो है वो 20 के मल्टीपल में है ना बराबर, यस, सो 1300 आ सकता है। तो यदि ये 1300 का पॉइंट मैं एज्यूम करता हूं तो ये यहां से आगे का जो पॉइंट है वो 20 मीटर के बराबर जाएगा, तो ये इतना डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं। इसका मतलब है ये 1314.92 यानी चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माइनस राउंड डाउन करेंगे उसको, चेंज को राउंड डाउन करेंगे तो आखिरी का डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते। सो दैट नाउ वी विल राइट डाउन हियर कि अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे। सो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PT माइनस राउंड डाउन चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारा है 1314.92, सो 1314.92 माइनस राउंड डाउन चेंज आएगा हमारा 1300। ये 20 मीटर के इंटरवल में हमने 1314 से छोटी संख्या पता की हमने, जो 1314 से छोटी है लेकिन 20 मीटर के मल्टीपल में है। सो यहां पर हो जाएगा CN यानी लास्ट सब कॉर्ड हो जाएगा हमारा 14.92 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप हमने यहां पर सॉल्व कर लिया। सो चेन लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कॉर्ड ये हमको निकालना पड़ता है दैट इज C1 और लेंथ ऑफ लास्ट सब कॉर्ड दैट इज CN ये निकालना पड़ता है, सो दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमको निकालना पड़ेगा अब बीच में कितने कितने नॉर्मल कॉर्ड रहेंगे वो हमको निकालना है यहां पे।
यानी यहां से लेके बचे वाला जो डिस्टेंस यहाँ पे 20-20 मीटर के कितने पॉइंट आने वाले है वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट है हमारा 1300 पे और ये वाला पॉइंट है 1060 पे, तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे, कितने पार्ट होंगे 20-20 मीटर के, सो दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। तो नंबर ऑफ नॉर्मल कॉर्ड यानी 20 मीटर का एक नॉर्मल कॉर्ड होता है, सो 20 मीटर का कितने नॉर्मल कॉर्ड होंगे वो हमको ये डिस्टेंस से हमको यहाँ पे निकालना है। तो 1300 माइनस 1060 ये जो डिस्टेंस है इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉर्ड हमारे निकल सकते, सो दैट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप कि हमारा जो कॉर्ड है उसमें नंबर ऑफ फुल कॉर्ड कितने आएंगे करके। सो नाउ वी विल राइट डाउन दैट स्टेप। सो हियर नाउ वी विल गो फॉर स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 क्या है हमारा, नंबर ऑफ फुल कॉर्ड्स कितने हैं वो निकालना है हमको। तो एक फुल कॉर्ड कितना है हमारा, सो नॉर्मल कॉर्ड लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल सी, दैट इज 20 मीटर, यानी ये पेग इंटरवल जितना रहता है उतना ही रहता है। सो नॉर्मल कॉर्ड इज 20 मीटर यानी पेग इंटरवल हमारा 20 मीटर का, इसलिए अब हमको ये बेस मीटर के हिसाब से जो है कितने नंबर ऑफ कॉर्ड निकालना है। सो नंबर ऑफ कॉर्ड हमारे जो है ये क्या हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ कॉर्ड जो हमारा है राउंड डाउन चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का राउंड डाउन किया वाला चेंज माइनस राउंड ऑफ चेंज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व, यानी हमारा जो पहला पॉइंट हमने देखा था ये जो है राउंड, ये राउंड डाउन चेंज है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का और ये राउंड अप चेंज है पॉइंट ऑफ कर्व का, इसमें से ये माइनस करके डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमको कितने कॉर्ड है वो निकल जाएंगे यहाँ पे। सो हियर नाउ यू कैन राइट डाउन दैट इज 1300 माइनस 1060 डिवाइडेड बाय 20 यानी 20 मीटर के कितने कॉर्ड बैठेंगे इसके अंदर। सो 1300 माइनस 1060 एंड डिवाइडेड बाय 20, सो हियर वी विल गेट 12, तो 12 कॉर्ड आएंगे हमारे नॉर्मल कॉर्ड। तो यहाँ पर अभी फिर स्टेप 7 की जगह फिर अपने आएगा स्टेप 8। स्टेप 8 में टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट, हमको जो कर के पॉइंट पता करना है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ ऑफसेट कितने रहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये पहला कॉर्ड तो इसके लिए एक ऑफसेट आएगा, फिर यहाँ पर हमारे कॉर्ड आ रहे और उसके बाद में एक आगे आएगा, तो जितने नॉर्मल कॉर्ड है उसके अंदर प्लस 2 करना पड़ेगा अपने को। सो हियर नाउ वी कैन राइट डाउन हियर कि हमारे कॉर्ड कितने आ गए, नॉर्मल कॉर्ड 12, सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड कितने हो जाएंगे हमारे, 1 + 12 + 1 यानी पहला सब कॉर्ड फिर 12 नॉर्मल कॉर्ड, तो ये हो गया C1, ये हो गया C और ये हो गया CN और ये टोटल हो जाएंगे फिर हमारे 14, तो हमको टोटल 14 नंबर ऑफ ऑफसेट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी ये कर के लिए। सो नाउ दिस वे अब हमको पता चल गया कि जो बेसिक डाटा है कर सेट करने के लिए वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास में तैयार हो गया। अब ये हमने कैलकुलेट क्यों किया, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो कर है ये कर सेट करने के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट लाने पड़ेंगे वो निकालना था अपने को। सो देयरफॉर वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ ऑफसेट्स कितने आएंगे वो ऑफसेट्स के लिए। अब हमने यदि ऑफसेट का फार्मूला देखा यहाँ पर, तो ऑफसेट के फार्मूले हमको क्या पता चल रहा है, सो हियर यू कैन सी दैट कि जो ऑफसेट का फार्मूला है हमारा वो हमारा है so you can see here that offset formula is O1 is equal to C1 square upon 2R। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, C1 चाहिए, C1 यानी नॉर्म फर्स्ट सब कॉर्ड, फिर यहाँ पे O2 के लिए C2 यानी नेक्स्ट वाला है सब कॉर्ड, फिर आखिरी O3 के लिए C square upon 2R यानी C बोले तो नॉर्मल कॉर्ड है हमारा 20 मीटर का, तो O चाहिए, और आखिरी के लिए ऑफसेट के लिए ON के लिए CN चाहिए यानी लास्ट सब कॉर्ड चाहिए। तो हमने जो अभी तक का कैलकुलेशन किया वो इसीलिए किया कि हमारे जो ऑफसेट के फार्मूले है ये फार्मूले में यहाँ पर हमको फर्स्ट सब कॉर्ड
फिर सेकंड कार्ड, फिर नॉर्मल कार्ड और फिर लास्ट सब कार्ड, ये दोनों लगते हैं। फर्स्ट सब कार्ड भी लगता है, लास्ट सब कार्ड भी लगता है, सी वन और सी एन लगता है, और फिर नॉर्मल कार्ड लगते बीच बीच में के सी जो है। सो ये कितने आएंगे उसके लिए हमने वो सारा प्रोसीजर जो है वो किया। सो हाउ हियर नाउ ये प्रॉब्लम में फिर हमने जो हमारा कैलकुलेशन है वो यहाँ पर हमने किया, तो हमको पहला सब कार्ड मिल गया, फिर बीच में हमको 12 मिल गए नॉर्मल कार्ड, और आखिरी में अपने को और एक सब कार्ड मिल गया, और उनकी जो लंबाई है वो लंबाई भी हमने यहाँ पर बराबर कैलकुलेट की। सो नाउ इन दिस वी हैव ऑल द डाटा रिक्वायर। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के हमारे जो ऑफसेट्स है वो हम लोग ऑफसेट कैलकुलेट कर सकते। तो हमारा सबसे पहले फिर हमको यहाँ पर अभी स्टेप 9 जो आएगी वो आएगी हमारी स्टेप्स की ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, जो मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस, उसके लिए ऑफसेट की वैल्यूज कैलकुलेट करना। सो नाउ दैट वी विल फैसिलिटेट हियर। सो हियर नाउ वी विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगी, यानी दिस इज स्टेप नंबर 9। सो स्टेप 9 हो जाएगी हमारी कि हमको ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस निकालने हैं। तो यहाँ पे हमको फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। सो पहला फार्मूला है हमारा ऑफसेट का। अब कितने ऑफसेट निकालने पड़ेंगे, तो इसके पहले हमने देखा कि हमें ऑफसेट पहला सब कॉर्ड है, फिर 12 बीच में फुल कॉर्ड है, और आखिरी में एक सब कॉर्ड और है। तो हमको यहाँ पे बराबर 1 + 12 + 1 यानी 14 ऑफसेट निकालने हैं। सो C1 जो हमारा आएगा वो हमको पता चाहिए यहाँ पे पहले। सो सबसे पहले हमने जो निकाला है C1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी इसके पहले, सो दैट इज 9.48, और नॉर्मल कॉर्ड है कितना हमारा 20 मीटर का, और जो लास्ट सब कॉर्ड है CN वो है हमारा, सो दैट कम्स आउट टू बी 14.94। तो ये हमारे तीनों वैल्यू हमारे आ गए। अब इसके ऊपर से पहला फार्मूला निकालेंगे हम लोग, ऑफसेट निकालेंगे। सो O1 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर अपॉन 2R। तो C1 स्क्वायर बोलो तो 9.48 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 300 है हमारी रेडियस, इस केस में 300 है। सो 9.48 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 300, सो इट कम्स आउट टू 0.15 मीटर। ये पहला ऑफसेट आ गया हमारा O1। अब इसके बाद में हमको निकालना है O2। सो O2 का फार्मूला जो है वो है हमारा, पहले ब्रैकेट में आता है C1 प्लस C2, और इसके बाहर होता है फिर C1 प्लस C2 और डिवाइडेड बाय 2R। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो C1 है हमारा कितना 9.48, और C2 कितना रहेगा 20 मीटर, क्योंकि हमारे पहले सब कॉर्ड के बाद में सब नॉर्मल कॉर्ड है 20-20 मीटर के, तो ये 20 हो गया। और फिर से C2 बोले तो फिर से 20 ही रहेगा हमारा, क्योंकि आगे के सब कॉर्ड 20-20 मीटर के रहने वाले, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300, सो दैट वी विल गेट अगेन वैल्यू। सो हियर 9.48 प्लस 20 एंड इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 300, सो इट कम्स आउट टू बी 0.98 मीटर, यानी ये हो गया O2, सेकंड ऑफसेट आ गया हमारा। अब हमको O3 निकालना है। सो O3 का फार्मूला देखो, हमने इसके पहले देखा था, O3 इज इक्वल टू होता है हमारा दैट इज C2 / 2R। क्योंकि पहला कार्ड हमारा छोटा होता है इसलिए C1 स्क्वेयर, दूसरे कार्ड में क्या होता है कि पहला कार्ड ये C1 + C2 होता है, उसके बाद का C2 होता है, तो इसलिए हमने टोटल यहाँ पे सी स्क्वेयर के लिए ये वैल्यू लिया हमने। अब तीसरे के बाद में क्या होगा, तीसरा भी 20 मीटर का है, चौथा भी 20 मीटर का है, पांचवा भी 20 मीटर का है, सब कार्ड सरीकीज है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वेयर कर सकते हैं हम लोग। सो यहाँ पर हम लोग करेंगे 20 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 × 300, तो 20 स्क्वेयर × 300 ये आ जाएगा हमारा 20 स्क्वायर / 2 / 300 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.67
दैट इज 20 इंटू इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 300. सो इट कम्स आउट टू बी 0.67 मीटर. अब ये हो गया हमारा O3. अब इसके जैसे हमको कितने नकले वाले हैं यहाँ पर. अब यहाँ पर हम लोग देख सकते कि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में यहाँ से यहाँ तक का यानी पहला ऑफसेट O1, फिर यहाँ से ये प्रोड्यूस करने के बाद में O2, फिर ये प्रोड्यूस करने के बाद में O3, फिर ये कार्ड प्रोड्यूस करने के बाद में O4, फिर ऐसे हमारे ऑफसेट निकल रहे. तो पहला ऑफसेट O1, फिर O2, फिर O3. अब O3 के बाद में सब कार्ड जो है हमारे वो 20-20 मीटर के हैं, तो वो सारे की वैल्यू ऑफसेट की वैल्यू सरी की रहेगी. सो हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारे इसके अंदर जो ऑफसेट आ गया 0.67 का, तो O3 के बाद में O3 इज इक्वल टू O4 हो जाएगा, इज इक्वल टू O5, इज इक्वल टू O6, इज इक्वल टू O7, इज इक्वल टू O8, इज इक्वल टू O9, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा करके O13. ये सब वैल्यू जो हमारी 0.67 मीटर रहेंगी, क्योंकि वो सारे जो ऑफसेट है वो हमारे एक जैसे ही रहेंगे, क्योंकि हर कॉर्ड हमारा 20-20 मीटर का है. जब आखिरी का कॉर्ड रहेगा यानी O14, क्योंकि इसके पहले हमने निकाला है नंबर ऑफ कॉर्ड कितने हमारे 14 आ गए हमारे, तो ऑफसेट O14 निकालना पड़ेगा अपने को. सो उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, O14 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले हमारा आएगा 20 प्लस आखिरी का सब कॉर्ड है हमारा 14.94 और इंटू 14.94 यानी CN-1, ये CN-1 है प्लस CN और इसके बाहर भी CN है और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300 2R. सो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 14.94 प्लस 20, ये वैल्यू आ गई इंटू 14.94 और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 300, तो ये हो गया 0.87. सो 0.87 मीटर. तो आखिरी का कॉर्ड हमारा O14 जो है 0.87 मीटर रहेगा. तो इस प्रकार से ये कर्व को सेट करने के लिए ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस ये जो मेथड हमने इस्तेमाल की, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि हमको सबसे पहले कितने कॉर्ड होंगे वो निकालना पड़ता. अब हमको वो पता चल गया कि यहाँ पर कितने कार्ड है, तो टोटल कार्ड हमारे आ रहे थे 14. फिर 14 कार्ड के हिसाब से फिर 14 ऑफसेट हमको निकालने पड़ेंगे. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लॉन्ग कार्ड की जरूरत नहीं है हमको और ना ये टेंजेंट की जरूरत है. जहाँ से रोड मुड़ने वाला है वहीं पे आपको क्या रहेगा, पहला कार्ड उसको प्रोड्यूस करो फिर उसको ऑफसेट लो, फिर दूसरा कार्ड प्रोड्यूस करो ऑफसेट लो, तीसरा कार्ड प्रोड्यूस करो ऑफसेट लो, चौथा कार्ड प्रोड्यूस करो ऑफसेट लो. तो जहाँ से रोड जा रहा है उसी जगह पे आपको सर्वे करना है और उसके लिए आपको रेंजिंग करके कार्ड को प्रोड्यूस करना है और फिर ऑफसेट लेना है, फिर नया कार्ड बनेगा उसको प्रोड्यूस करना है फिर ऑफसेट लेना है, फिर और नया कार्ड बनेगा उसको प्रोड्यूस करना है ऑफसेट लेना है. सो लाइक वे हम लोग अलॉन्ग द रोड अलाइनमेंट सर्वे करते करते कर्व के जो पॉइंट है जो हमको रास्ते का मोड़ सेट करना है उसके लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग 20-20 मीटर के इंटरवल फिक्स कर सकते. और इसके लिए फिर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमको ये जो चेनेज था ये चेनेज पे से टेंजेंट चेनेज माइनस करके चेनेज ऑफ स्टार्ट पॉइंट निकाला, फिर उसको 20 मीटर के मल्टीपल में राउंड अप किया, तो राउंड अप करने से पहला सबकॉर्ड निकल गया. ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी हमारे लिए, फर्स्ट सबकॉर्ड C1 वो निकाला हमने, फिर बाकी के 20-20 मीटर के कॉर्ड है फिर उसी प्रकार से लास्ट वाला भी निकाला एंड फ्रॉम दैट वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो नाउ हियर इन दिस प्रॉब्लम यू कैन सी दैट इन द समरी, सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट समरी में आपको क्या चाहिए जो सेट करना है अपने को कर फील्ड में जाके, तो आपको O1, O2, O3, O4 ये सब ऑफसेट चाहिए. उसके बाद में आपको जो आपने कार्ड निकाले तो C1 है 9.48, ये भी आपको मालूम चाहिए, C 20 मीटर नॉर्मल कार्ड ये भी मालूम चाहिए, CN ये भी आपको मालूम चाहिए, कितने पॉइंट रहने वाले हैं तो 14 पॉइंट वो भी मालूम होने वाले हैं. इसके बाद में अलावा फिर अपने को रेडियस 300 मीटर दिए प्रॉब्लम में वो भी आपको मालूम है, और रेडियस के अलावा अपने को डेल्टा भी दिया था 50 डिग्री 30 मिनट, दैट इज ऑल्सो नोन टू अस.
और ये सारे जो वैल्यू है ये समरी पे से हम लोग अभी फील्ड में जाके हमारा जो कर्व है उसको मार्क कर सकते। सो दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट द डाटा रिक्वायर फॉर ऑफसेट फ्रॉम क्वाड प्रोड्यूस मेथड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। तो यहाँ पे आपने जो भी स्टेप्स किए वो स्टेप्स के हिसाब से आप यदि सॉल्व करते जाते हो सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो नाउ हियर इन दिस लेसन सो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट लेसन देन वी विल गो फॉर अनदर मेथड दैट इज द एंगुलर मेथड ऑफ सेटिंग आउट द कर्व। सो फॉर दिस लेक्चर वी विल स्टॉप हियर। Thank you for watching this video lecture series. Thank you.